श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। दर्शकों आज 18 सितंबर और दिन रविवार तिथि साथ ही अष्टमी बहुत ही अच्छा संयोग बन रहा है। आज के शाम आप लोगों को मात्र एक मुट्ठी गेहूं से एक अचूक उपाय पूज गुरुदेव की शिव महापुराण कथा से बताया हुआ अवश्य करना है। इस उपाय को करने से आपका हर कार्य बनता चले जाएगा, साथ ही आपका कोई भी ऐसा कार्य है जो नहीं बन पा रहा है वह कार्य आपका बनेगा। जीवन की तमाम समस्या दूर होगी, सभी कष्टों से आप लोगों को छुटकारा प्राप्त होगा। जीवन में आप लोगों को आर्थिक लाभ होगा, व्यापार के क्षेत्र में भी आप लोगों को लाभ प्राप्त होगा और साथ ही आपका व्यापार दूरों दूरों तक बढ़ेगा। घर में कलेश होता है तो वह खत्म होगा। आज के दिन शाम के समय आप लोगों को दर्शकों इस उपाय को करना है। किस प्रकार से करना है इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। हर बार की तरह कॉमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। तो आज की शाम दर्शकों आप लोगों को सबसे पहले अपने मुंह हाथ पैर धोकर आप लोगों को एक मुट्ठी गेहूं लेने हैं और उन्हें आप लोगों को आपके घर के पूजा स्थल पर रख देने हैं। रखकर आप लोगों को उसके ऊपर एक आटे का दीपक बनाना है और उस गेहूं की एक मुट्ठी गेहूं के ऊपर उस दीपक को रखकर आप लोगों को जला देना है। लंबी उसमें आप लोगों को बात रख देनी है। घर के बीचों बीच पवित्र स्थान पर आपको जलाना है। ऐसा करने से कहा जाता है कि घर में सुख शांति बनी रहती है, साथ ही व्यक्ति का सूर्य मजबूत होता है और भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो आज के दिन इस छोटे से कार्य को अवश्य करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।